हेलो दोस्तों, सौरव जोशी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस कर चुके हैं और उन्होंने ये किया कैसे? जी हाँ दोस्तों, सौरव जोशी एक हमारी तरह मिडिल क्लास ही थे और उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था उन और उससे इससे पहले अभी तो वो फिलहाल हल्द्वानी में रहते हैं, लेकिन उससे पहले रहते थे कहाँ, हरियाणा में। हल्द्वानी हरियाणा, हाँ क्या ही लॉजिक है। तो मतलब अच्छी जगह अब चले गए, वो शांत जगह जहाँ पे वो खुल के बोल सके, ना कोई शोरगुल हो, ना कोई परेशानी हो, ना ही कोई किसी तरह की चिड़चिड़ो। तो उन्होंने लाइफ में सक्सेस किया कैसे? उन्होंने अपने मतलब अपने पैशन को फॉलो किया और अपने पैशन को बहुत अच्छे तरीके से लोगों को, क्रिएटिव तरीके से लोगों को अपना मतलब अपने पैशन को प्रेजेंट किया लोगों के आगे, और लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और इन्होंने स्टार्ट किया था कोरोना काल से पहले, और अभी तो वो एशिया के नंबर वन व्लॉगर है, उससे पहले वो नंबर वन आर्टिस्ट थे। और आर्टिस्ट होने के बाद उन्होंने लॉकडाउन में स्टार्ट किए व्लॉगिंग, जो कि वो अपने बारे में डिटेल बताते थे, लोगों को बताते थे, और लोगों को बहुत मज़ा आने लग गया उनकी पूरी फैमिली की बातचीत सुनते सुनते। स्टार्टिंग में तो वो सौरव जोशी और कुनाली बोलने का आदत हो गई है, लेकिन उसका नाम शायद कुणाल होगा, कुनाली बोलते हैं लेकिन उसे, तो सौरव जोशी कुनाली, ठीक है। तो ये हो गए और ये सारे फैमिली मेम्बर्स भाई एक साथ व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया कोरोना काल में, और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसी कारण इनका एकदम से चैनल ग्रो हो गया जो कि व्लॉगिंग में। लेकिन इससे पहले वो करते थे आर्टिस्ट, यानी कि ऐसा ऐसे आर्टिस्ट नहीं, मतलब स्केच आर्टिस्ट, लोगों की पिक्चर्स बनाना, लोगों को मतलब लोगों की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ बनाना, यानी कि आप ऐसे खड़े हो तो हूबहू ऐसे ही फ़ोटो निकाल देंगे, लेकिन भाई थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करते हैं। उनकी एक एक पिक्चर को बनाने में सात सात आठ आठ घंटे लग जाते हैं, वो अपनी हर वीडियो में बताते हैं। और हर एक अगर आप सीखना चाहो तो उनकी स्टार्टिंग की वीडियो देख सकते हो, जो कि उनके सौरव जोशी आर्टिस्ट करके उनके चैनल पे ये वीडियोस डली हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। उन्होंने बताया कि उनके शायद दो तीन साल से वो मतलब उन्होंने पहले प्रैक्टिस की और फिर यूट्यूब पे उसको, फिर बाद में जब सीख गए तब स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब पे डालने लग गए। और फिर सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने किस तरह से कमाया, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया अपने व्लॉगिंग से, यार समझ सकते हो। उनकी हर एक वीडियो 10-10 मिनट की होती है, लगभग उनकी सारी वीडियो 10-10, 12-12 मिनट की होती है, लेकिन जब उन्हें ज़्यादा लोकप्रियता मतलब लोकप्रिय मिलने लगी, जब उनके ज़्यादा अटेंशन मिलने लग गई उनके व्लॉगिंग वीडियो के, उनके लोगों की बातचीत करने की, तो भाई उन्होंने उस पर ज़्यादा फोकस किया और पूरे दिन का व्लॉग डालते और रोज़मर्रा वाले काम करते हैं, लेकिन रोज़ लोगों को अपने बारे में बताते हैं, रोज़ डेली लाइफ बताते हैं। और लेकिन वो इतने फेमस हो गए, उनकी इतनी अच्छी बातचीत होती है, इतने ज़्यादा मतलब इनोसेंट होते हैं उनकी बातचीत, और उनकी पूरी फैमिली एक साथ रहती है, और अब सक्सेस हो गए हैं तो भाई ऐश करना तो बनता है। तो अभी वो गए थे ओपन जिम, मतलब ओपन जू, मैं जिम कह रहा हूँ, ओपन जू गए थे, जहाँ पे मतलब जानवर खुले होते हैं और शिकार शिकारी सब खुले में होते हैं, और वहीं पे हमें घूमना होता है। तो इस तरह से होता है ओपन जिम, ओपन जू, सॉरी ओपन जू होता है, उसी तरह से ओपन जू में होता है कि शिकारी कम होते शिकार ज़्यादा होते, यानी कि शेर थोड़े ही हैं, मुट्ठी भर शेर है और मतलब और हिरण बहुत सारे हैं, जिससे कि शेर का पेट भरा रहता है, इसीलिए ओपन जिम मतलब ओपन जू चल पाता है, और लोग शेरों को देखने, बाकी के जानवरों को देखने आते और जाते हैं। तो इसी तरह से अब लोगों को लोकप्रिय हो गए हैं सौरव जोशी, ऐसा बहुत से लोग अब चाहते हैं कि वो भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाए और फेमस हो, तो सभी प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नंबर वन नहीं तो दूसरे नंबर पे तो आ ही जाऊँ किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी टॉपिक पे। तो मिलते हैं अगले दिन अगली नई वीडियो के साथ।